पानी की कमी से खेत सूख जाते हैं, किसानों की क्या हालत होती है। एक दोहा मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। बार बार सूखा पड़े किसान सूखा जाए, भूखे प्यासे पशु मरे मनुज समझ ना पाए। औसत बारिश की मात्रा में कहीं कहीं बहुत अधिक कमी हो जाती है, उसको सूखा क्षेत्र कहा जाता है, अकाल कहा जाता है उसको। तो इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर की कमी से फसल सूख जाती है, फसल पैदा नहीं होती। जितना बीज वाला बोया जाता है उतना ही उन्हें वापस प्राप्त नहीं होता है। फसल होना तो बहुत दूर की बात है, तो किसानों को कुछ भी नहीं मिलता है। किसान अपनी बिगड़ती हुई बर्बाद होती हुई फसल को देख करके, उस फसल को देख करके किसान सूख जाता है। खेत तो सूखा पड़ने से खेत सूखे और सूखे खेत को देख करके किसान सूखे, ये क्रम एक अनंत आत्मीयता का प्रतीक है। खेतों के अंदर कुछ नहीं होगा तो किसान कैसे खुश रह सकता है, किसान कैसे प्रसन्न रह सकता है। तो सूखे हुए खेतों को देख करके किसान सूख जाता है, किसान की आत्मा भीतर से बहुत कष्ट पाती है। भूखे प्यासे पशु मरे, जब पानी नहीं बरसेगा तो खेतों के अंदर कुछ पैदा नहीं होगा तो जानवर क्या खाएंगे, पशु क्या खाएंगे, पक्षी क्या खाएंगे, ये भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये सारी विसंगतियाँ, ये सारी घटनाएं जो होती है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, हम कारण की गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से आज का ये स्वार्थी मानव का चेहरा ही आपके सामने वापस आएगा। आज के इंसान ने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए अधिक से अधिक लोग की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के अधिक धन कमाने की लालसा में फैक्ट्रियां लगा दी। बड़े बड़े वन थे जिन्हों कटवा करके वहाँ पर फैक्ट्रियां लग गई, कारखाने लग गए, पर वन क्षेत्र कम हो गए, पानी की मात्रा अब कम प्राप्त होती है, पानी कम बरसता है। ये सारी विसंगतियों को मनुष्य जानता है, समझता है, लेकिन फिर भी उसी के पचीनों पर चलता जा रहा है। क्योंकि सबको धन प्यारा है, देश प्यारा नहीं है, वतन प्यारा नहीं, फिर क्या है। आम आदमी के जीवन को भी हमें बारीकी से समझना है कि क्या क्या हमें करना है। तो हम जो है सूखा पड़ने के पीछे जो मनुष्य के जितने रोल हैं उन सब को गंभीरता से लेते हुए जहाँ रोक लगानी है उस पर रोक लगाया जाए, और अधिक से अधिक पुनः यही कहूँगा वृक्षारोपण किया जाए ताकि हम उस क्षतिपूर्ति को शीघ्र ही हम पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।